इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 है, ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2A, फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। अब यहां पर ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड्स आपस में बराबर होती हैं, और अगर उसकी एक साइड की वैल्यू 2A है तो उसके एल्टीट्यूड की वैल्यू क्या होगी, ये हमें इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फिगर को हम ड्रॉ करेंगे, इस ट्रायंगल को हम ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे और बहुत ही आसानी से हमें इसके एल्टीट्यूड की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। नाउ लेट ए बी सी बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद ईच साइड ऑफ लेंथ 2A। ये है ट्राइंगल ए बी सी और हर साइड की वैल्यू है 2A। ठीक है, अब यहां पर एक हम एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। यहां पे हमने एक पॉइंट लिया D और ये हमने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया। अब जैसा कि हम जानते हैं दैट एल्टीट्यूड इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल बाइसेक्ट द अदर साइड, यानी ये जो एल्टीट्यूड है ए डी, ये इस साइड बी सी को बाइसेक्ट करेगा, यानी बी डी और डी सी आपस में बराबर होंगी और उनकी वैल्यू होगी बी सी बाई टू। देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू ए। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल ए डी बी बाई पाइथागोरस थ्योरम, दोस्तों यह है ट्राइंगल ए डी बी, ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का है। अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब ए डी की वैल्यू हमें पता नहीं है, ए बी की वैल्यू पता है और बी डी की वैल्यू पता है, तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा 2A स्क्वायर, और ए डी की वैल्यू हमें पता नहीं है और बी डी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ पर ए डी स्क्वायर हो जाएगा 4A स्क्वायर, 2A का होल स्क्वायर हो जाएगा 4A स्क्वायर, और A स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस A स्क्वायर। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो यहां पर AD स्क्वायर हो जाएगा 3A स्क्वायर, देयरफॉर AD इज इक्वल टू रूट 3A। तो यहां पर हमें एल्टीट्यूड की वैल्यू मिल गई, दैट इज रूट 3A, एंड दैट इज अवर आंसर।